हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है, सभी स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। ये नोटिस एग्जाम को लेके है। दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी दिसंबर सेशन 2020-21 सेशन CBSE पैटर्न के जितने भी स्टूडेंट है, सेमिस्टर पैटर्न वाले, ये उन स्टूडेंट को लेके है। तो दोस्तों, मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एग्जाम कैसे होने वाला है, कब से चालू होने वाला है रिपीटर का और फ्रेशर स्टूडेंट का। तो वीडियो को एंड तक देखिए। जितने भी न्यू दोस्त इस चैनल पे जुड़ रहे, स्टूडेंट इस चैनल पे आ रहे, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप देख सकते हो, जैसे कि पहले पॉइंट पे आपको इधर दिख रहा है कि सेमिस्टर पैटर्न दिया हुआ है FY BA का दिया हुआ है। यस दोस्तों, तो FY BA रिपीटर स्टूडेंट जो जनवरी से दिसंबर सेशन है, इनका एग्जाम 29 दिसंबर से चालू होने वाला है। सेमिस्टर 1 FY BCOM जो रिपीटर स्टूडेंट है जनवरी दिसंबर सेशन का, इनका भी एग्जाम 29 दिसंबर से चालू हो रहा है। सेमिस्टर 1 MA रिपीटर जनवरी दिसंबर सेशन, खासकर सभी ये जनवरी दिसंबर सेशन के स्टूडेंट है, क्योंकि इधर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि जनवरी दिसंबर सेशन बोला हुआ है तो हर कोई जनवरी दिसंबर सेशन का ही स्टूडेंट होगा, तो मैं बार बार अब ये नहीं बोलूंगा। सेम 1 MA रिपीटर स्टूडेंट का भी एग्जाम 29 दिसंबर से, सेम 1 MCOM रिपीटर स्टूडेंट का भी 29 दिसंबर से। तो दोस्तों, पहले इसे बोला जाता था MCOM पार्ट 1 पार्ट 2, अब सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4 बोला जाएगा। दोस्तों, ये तो रिपीटर स्टूडेंट की बात होगी। अब बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट, जो सेमिस्टर 2 के FY BA फ्रेशर स्टूडेंट है जनवरी दिसंबर सेशन का, उनका 30 दिसंबर से एग्जाम चालू हो रहा है। जो सेमिस्टर 2 FY BCOM के स्टूडेंट है फ्रेशर, उनका भी 30 दिसंबर से चालू हो रहा है एग्जाम। और सेमिस्टर 2 MA फ्रेशर जो स्टूडेंट है, उनका भी 30 दिसंबर से एग्जाम चालू हो रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेमिस्टर 2 MCOM फ्रेशर स्टूडेंट, इनका भी एग्जाम 30 दिसंबर से चालू हो रहा है। शॉर्ट और सिंपल में बोलने जाओ तो दोस्तों, जितने भी रिपीटर के स्टूडेंट है, इन सभी स्टूडेंट का एग्जाम 29 दिसंबर से, और जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट है, इन सभी का एग्जाम 30 दिसंबर से। बात करते हैं कि अब जो स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि एग्जाम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है सर, तो दोस्तों एग्जाम ऑनलाइन है, ये मैं नहीं, ये नोटिस में खुद आपके सामने लिखा हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर मॉक टेस्ट कब होगा, तो दोस्तों मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के 3 दिन पहले लिया जाएगा, जो मुंबई यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा, और आपको इसका लिंक भी आपके मोबाइल पे ईमेल आईडी या रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर हॉल टिकट कब आएगा, तो दोस्तों हॉल टिकट आपके एग्जाम के 4 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा, आपके पोर्टल पे लिंक आपको दिया है। अब बात आती है सर, आपने सर्कुलर बता दिया, टाइम टेबल कब आने वाला है, तो टाइम टेबल विल डिक्लेयर वेरी सून ऑन आवर वेबसाइट। अभी तक वेबसाइट पे आया नहीं है, बहुत ही जल्द वेबसाइट पे आने वाला है। जैसे ही वेबसाइट पे आएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दें मेरे लिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।